अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको ये मैं बनाने लगी थी फ़िश, तो मैंने कहा चलो व्यूअर के साथ भी इसको शेयर कर लूँ। तो मैं गई थी अपने ससुराल में, तो वापस आई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी ये फ़िश बनाई, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िश जो है ना, वो पहले मैंने थोड़ी सी फ्राई कर ली थी ऑयल में, वो पहले मैंने रख ली थी फ्राई करके। तो ये देखिए, सारा लहसुन प्याज जो टमाटर सारा पेस्ट मैंने इसका बना लिया है। तो अब मैं इसको ऑयल डाल के तो इसमें हल्का इसको भून लूँगी थोड़ा सा। तो व्यूअर्स, मैं ना अपने ससुराल गई थी, तो जो ससुराल का गाँव सारा मैंने कैप्चर किया, वीडियो बनाई है, वो मैं आइंदा वीडियो में डालूंगी। तो ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, बारीक पिसा हुआ नहीं डालना है इसमें, ज़रा जो दरड़ है वही डालना है। और मैंने इसमें सूखा धनिया भी डाला है, वो भी मैंने बारीक पिसा हुआ नहीं डाला, वो भी क्रश करके डाला है थोड़ा सा। तो ये मैं मिर्ची, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वो भी मैं डाल रही हूँ इसमें। तो ये देखें, जो मसाला है उसने घी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जो मछली फ्राई की हुई थी वो मैं इसमें डालूँगी। तो बाज़ औक़ात मछली पकाते वक्त जो है ना, वो सारी जो है वो ख़राब हो जाती है, वो उसके जो फैल जाती है सारी अलहदा अलहदा हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि पहले मसाले को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो उसमें अब ये मछली डाल के फ्राई करके डालें, हल्की फ्राई करनी है, ज़्यादा फ्राई नहीं करनी, ताकि इसमें मसाले में पकेगी तो इसकी जो टेस्ट है वो मछली में आए। तो ये देखें, अब जो अब मैं आपको एक मुफीद टिप दे रही हूँ कि ये जो मछली है ना, हमने थोड़ी देर इसको भूनना है, ज़्यादा इसको नहीं भूनना, हमें चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि मछली जो है वो ख़राब हो जाती है इस तरह। तो वो जिल्द वाला जो हिस्सा ना, वो हमने ऊपर रखना है। जब हमने इसको 10 मिनट तक भूनेंगे तो उसके बाद हमने जिल्द वाला हिस्सा ऊपर रख देना है, और जो दूसरे वाला हिस्सा ना वो नीचे कर देना है। तो हल्की फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, तो तकरीबन हल्की फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे, तो ये अच्छी तरह से मसाला जो है इसमें ऐड हो जाएगा, तो जायका भी आएगा। तो व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए रखा है। अब मैं इसको अजवाइन का तड़का लगाऊंगी। मछली हमारी पक चुकी है, अब थोड़ी सी अजवाइन इसमें घी में डाल के मैं ऑयल में, तो इसको हमने थोड़ा सा कड़कड़ा लेना है जो अजवाइन है। तो अब उसका तड़का लगाएंगे। ये देखिए, ये अजवाइन इसमें डाल रही हूँ मैं। जब खुशबू आने लगे अजवाइन की, तब इसका तड़का जो है ना वो हमने मछली को लगाएंगे। तो ये देखें, मछली हमारी बिल्कुल तैयार है, पक चुकी है, अंदर तक पकी है। बस इसको आपने ज़्यादा चम्मच नहीं लगाना, ज़्यादा हिलाना नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं तड़का लगाऊंगी, ये इसका लग गया तड़का। अब मैं इसको इसके ऊपर थोड़ा सा हरी प्याज के जो बारीक कटी हुई वो डालूंगी, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई है वो इसमें ऐड करूंगी। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, बहुत परफेक्ट मछली जो है वो तैयार हुई है। तो व्यूअर्स, आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मछली पकाने का ये वाला तरीका आसान है। तो ये देखें, मैंने हरी प्याज भी इसके ऊपर जो है वो डाल दी है, और अदरक बारीक कटी हुई वो भी मैंने डाली है। माशाल्लाह से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।